नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों, आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया है। दोस्तों, इस बार ये वीडियो जो है वो समाज कल्याण विभाग, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, उसके द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती हैं क्लास 11 और 12 और हायर जो क्लासेज हैं उनके लिए। फ़िलहाल ये वीडियो क्लास 11th और 12th जो गवर्नमेंट स्कूल से कर रहे हैं उनके लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती हैं उसके लिए यह वीडियो है दोस्तों। तो इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा इससे रिलेटेड, तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आप तक मैसेज पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर द्वारा, जो राजस्थान गवर्नमेंट का है, शैक्षणिक सत्र 2019-20 में राजस्थान की मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष समूह योजना, पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते थे SBC, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, EWS जिसको अभी बोलते हैं, घुमंतु और अर्ध घुमंतु, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जिसको बोलते हैं, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में जो है आप देख पा रहे हैं, जो इस बॉक्स के अंदर है, इस सर्कल के अंदर है, देख सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए जो ये फॉर्म है इसको देख सकते हैं आप। और दोस्तों, बात करते हैं निजी या मान्यता प्राप्त जो भी स्कूल्स हैं, राजकीय निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित या अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं 11th एवं 12th केवल राजकीय शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाइट www.scholarship.rajasthan.gov.in ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप पेपरलेस आवेदन कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर ये नोटिफिकेशन अभी जो मैं पढ़ पा रहा हूँ आपके सामने, इसको भी रीड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं इसकी सारी जानकारी, जिसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा www.scholarship.rajasthan.gov.in पर। यहाँ जाकर आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके डेट की, तो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो पोर्टल जो प्रारंभ होगा वो होगा 20 जून 2019 को, यानी कि छात्रवृत्ति चालू हो चुकी है, आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो चैनल है उसको फॉलो करें, उस पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसको देखकर आप इसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है तो विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि या पोर्टल बंद होने की तिथि जो है वो 31 अगस्त है, 31 अगस्त है, तो उसे पहले पहले आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2019-20 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, पढ़ के सुना देता हूँ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष समूह योजना, पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग SBC के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों ही आवेदन कर सकते हैं। 2,50,000 से कम अगर आप SC ST या SBC में हैं तो आवेदन कर सकते हैं। OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में इसका लाभ ले सकते हैं, उनके परिवार की वार्षिक आय 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ उन 17 श्रेणियों के विद्यार्थी जैसे BPL कार्डधारी पुत्री या पुत्र, अंत्योदय कार्डधारक की पुत्री या पुत्र, स्टेट BPL कार्डधारक की पुत्री या पुत्र, अनाथ बालिका बालक, विधवा स्वयं विधवा की पुत्री पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं तलाकशुदा महिला की पुत्री पुत्र,
विशेष योग्यजन स्वयं विशेष योग्यजन की पुत्री या पुत्र, ये 17 जिस कैटेगरी में आने वालों को भी जो ओबीसी में हैं उनको लाभ मिलेगा। एससी एसटी को ऐसे ही मिल रहा है। अगर एससी एसटी कैंडिडेट भी इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको मिलना वैसे भी तय है, तो उनके लिए तो वैसे भी ओपन वे है, वो भर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट जो है वो है डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1,00,000 रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। 1,00,000 आवेदन वाले वो ईबीसी कैंडिडेट जो डॉक्टर अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग में आते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु डीएनटी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2,00,000 रुपये तक वार्षिक आयु सीमा वाले परिवारों को विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। ये जो है ये जो बैकवर्ड एरिया जो है वहाँ पर काम आता है, उधर उस साइड में इस ये कैटेगरी है, वहाँ के लोगों के लिए ये है। और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जो कैंडिडेट 12th पास करके या 10th पास करके 11th 12th या उससे ऊपर ग्रेजुएशन में जो आना चाह रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5,00,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं विभागों द्वारा सूचीबद्ध में अध्ययन व्यवधि ही आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो करना चाह रहा है उनके लिए 5,000 पर ईयर के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती है वो इस कैटेगरी में आते हैं। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5,00,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी का अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें, ऑनलाइन आवेदन के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि ई मित्र साइबर कैफे शिक्षण संस्थान से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाएं एवं समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर लें, और यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को उसको सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करें। छात्र छात्रा मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी स्वयं की दें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स जैसे रिजेक्टेड, रिसबमिटेड या कोई फॉर्म वापस आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके राइट टाइम पर। एससी एसटी एससी जी एस या ईबीसी या डीएनटी मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थी को आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज या सूचनाएं तैयार करना आवश्यक होगा एवं आवश्यकता अनुसार मूल दस्तावेजों को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। देखिए रंगीन स्कैन करना जरूरी कर दिया है इस बार, तो ये रंगीन करें और आप देख सकते हैं, एक बार फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। ये स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र अनाथ और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसमें लगाएं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए या जो भी कैंडिडेट हैं अपना एससी एसटी का सर्टिफिकेट जरूर लगावें। और आगे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो भी बीपीएल में आता है, जो भी इस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी से संबंधित अपना डॉक्यूमेंट जरूर लावें। बीपीएल कैंडिडेट बीपीएल के लिए, जो स्टेट बीपीएल है वो स्टेट बीपीएल के लिए, और जो विधवा है वो जो डेथ सर्टिफिकेट है हस्बैंड का, जो तलाकशुदा है तलाकशुदा से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब लाना अनिवार्य होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आय का घोषणा पत्र, वर्ष 2019-20 हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र जो कि विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है, मैं ही बनाकर मूल ही स्कैन पर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। दोस्तों अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलता है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ये पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में डालने की, नहीं तो आपके कमेंट्स आने पर आपको पीडीएफ अपलोड करवा दी जाएगी। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा और माता पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, जो भी बड़ा भाई बहन जो भी घर में है वो इसको साइन कर सकता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि आय कौन भरे, आय प्रमाण पत्र पिताजी के नाम से भरा जाएगा, पिताजी की डेथ होने पर मदर के नाम से, मदर पिता फादर दोनों की डेथ होने पर बिग ब्रदर जो होता है बड़ा भाई उनके नाम से फिलअप किया जाता है, या जो भी हो संरक्षक उसके नाम से आवेदन कर सकते हैं।
विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम, ये बेसिकली डिटेल है, वो फॉर्म में फिलअप होती हैं। भामाशाह आईडी और आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकती। और दोस्तों सबसे बड़ा जो इश्यू मैं बता दूं आपको, आपको राजस्थान गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट देती है उसमें भामाशाह एक बहुत बड़ा रोल होता है। भामाशाह में आपका नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी अकाउंट डिटेल भी उसमें होना जरूरी है। और ये डिटेल, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नाम, ये चीज़ें स्पेलिंग सहित सेम होना जरूरी है। चार चीज़ें भामाशाह में आधार में, सबसे पहले आपको बता दूं भामाशाह आधार में जो बेसिक डिटेल जरूरी है सेम होना, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगा। और इन डाटा को आधार में या भामाशाह में चेंजिंग के लिए मिनिमम एक महीने का वक्त लगता है, तब तक इसकी लास्ट डेट चली जाती है। ये अलग बात है कि लास्ट डेट को 2 से 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाता है टाइम टू टाइम, लेकिन वो हम नहीं कह सकते बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, क्योंकि इस बार काफ़ी चेंजिंग किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, एक नंबर आपका जो भामाशाह है, भामाशाह में नाम, डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट डिटेल, ये तीनों चीज़ें होना जरूरी है। साथ ही साथ आधार नंबर भी भामाशाह में होना जरूरी। चार चीज़ें अगर आपकी भामाशाह में अपडेट है नहीं है तो आप जल्दी से करवा सकते हैं नज़दीकी ई मित्र पर से, ताकि ये फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, SSO ID बनाना जरूरी हो जाएगा। विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि भामाशाह कार्ड के अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तांतरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तांतरण करवाना चाहता है तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार से है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, छात्र के खाते में लेन देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अंतराल में होनी चाहिए, अदरवाइज अकाउंट अगर क्लोज हो जाता है तो फिर छात्रवृत्ति नहीं आ पाती है। शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली फीस की रसीद में अंकित 8 मद की ही यथा पंजीकरण शुल्क, नामांकन, एनरोलमेंट, शिक्षण शुल्क, ट्यूशन फीस, खेलकूद संगठन यूनिक, पुस्तकालय शुल्क, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग छात्रवृत्ति हेतु देय है। परीक्षा तथा शिक्षक संस्थान द्वारा जारी फीस की रसीद में इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। इसके अलावा किसी और तरह से अगर फीस स्कूल में ली जाती है तो वो आपको नहीं मिलती है छात्रवृत्ति में। एक्स्ट्रा फीस है, क्वेश्चन फीस जो है एडवांस में जमा करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो ये 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 8 पॉइंट ही, इसकी फीस ही आपको छात्रवृत्ति में वापस मिलेगी। अनिवार्यतः अप्रतिदेय शुल्क, जो नॉन रिफंडेबल फीसें वगैरह हैं, वो आपको इस कॉलम में अंकित नहीं करनी है और ना ही आपको मिलेगी। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन साधनपूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान, पाठ्यक्रम, योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है तो इस आधार पर आवेदन स्थायी रूप से निरस्त हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2019-20 में राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों का आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले बोनिफाइड सर्टिफिकेट के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। जयपुर जिले में 2-2 विभागीय, जयपुर और जयपुर ग्रामीण होने के कारण सांगानेर, चौटवाड़ा और ये डिटेल जयपुर के क्षेत्रों के लिए हैं। और 11-12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष समूह योजना, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, धुमंतु, अर्धधुमंतु वर्ग के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का होना अनिवार्य है। कक्षा 11-12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति स्वीकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी होंगे। और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अन्य जानकारी के लिए दोस्तों आपको www.scholarship.rajasthan.gov.in पर भी जाकर इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म को कैसे ऑनलाइन फिलअप करना है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए, उस पर आप चेक कर सकते हैं हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जैसे ही होगा हम आप तक पहुंचा देंगे और ऑटोमेटिकली आपके मैसेज के थ्रू शो हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू दोस्तों।